हेलो एवरीवन, आज हम नवरात्रि पर्व का महत्व समझेंगे। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन नवरात्रि और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत किए। नवरात्रि में दुर्गा जी के 9 रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल, नवरात्रि में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नवरात्रि के लिए पंडाल तैयार किए जाते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इस पंडालों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की मूर्तियाँ रखी जाती है। विजयदशमी के दिन माता को विदा करते हुए महिलाएं पारंपरिक तौर पर सिंदूर खेल का आयोजन करती है। गुजरात, गुजरात में नवरात्रि दरमियान सबसे ज्यादा गरबे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पारंपरिक ड्रेस में पुरुष और महिलाएं पंडालों में गरबा खेलने जाते हैं और गरबा पंडालों को सजाया जाता है। कर्नाटक, कर्नाटक के मैसूर शहर का दशहरा पूरे देश में मशहूर है। नवरात्रि के आखिरी दिन सोने के गहनों से हाथी को सजाया जाता है और मैसूर पैलेस को लाइटिंग की जाती है। महाराष्ट्र, नवरात्रि में महाराष्ट्र के लोग कार, घर और प्रॉपर्टी खरीदना शुभ मानते हैं। नवरात्रि के दरमियान शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे को घर आमंत्रित करते हैं और श्रृंगार की चीजें जैसे बिंदी, चूड़ी तोहफे में देते हैं। पंजाब, पंजाब में नवरात्रि को अलग ही तरीके से मनाया जाता है। यहाँ लोग पहले 7 दिनों तक व्रत रखते हैं। इस दौरान जगराते का आयोजन किया जाता है। देवी दुर्गा के पूजन के साथ 8वें दिन भंडारा करते हैं और नौ कन्या को भोजन करवाने के साथ व्रत खोलते हैं। इस कन्याओं को दान और लाल चूड़ी भेंट की जाती है।